गर्मियों में सन टैन ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी भी काम के लिए हमें बाहर तो जाना ही पड़ता है और हम सन टैन से बच नहीं पाते, तो सन टैन रिमूवल के लिए ये टोनर बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक फ़्रेश क्यूकम्बर लेना है। मेक श्योर कि वो फ्रेश हो, जितना ज़्यादा फ्रेश होगा उसका एक्सट्रैक्ट उतना ज़्यादा रिएक्टिव और अफेक्टिव होगा। क्यूकम्बर में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो आपकी स्किन डैमेज हो जाती है उसको काम प्रोवाइड करता है, सूथिंग प्रोवाइड करता है, और जो गर्मियों में हमारी स्किन पे हाइड्रेशन की कमी हो जाती है ना, तो वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और बेस्ट टोनर है सन टैन के लिए। आपकी पोर्स में जो डर्ट जमा हो जाती है, टॉक्सिन होता है, उसको रिमूव करता है। अच्छा, उसके बाद आपने छोटे छोटे पीसेस करके इसको ग्राइंड करना है। आप ग्रेट करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं, बट अगर आप ग्राइंड करेंगे तो इसका एक्सट्रैक्ट ज़्यादा अच्छे से निकलेगा। उसके बाद इसको किसी भी बोल में आप स्ट्रेन कर लें। चम्मच की मदद से सारा इसका जो एक्सट्रैक्ट है उसके पल्प से आपने निकालना है, ताकि इसका जो सारा जूस है सारा एक्सट्रैक्ट आ जाए। अच्छा, जो लास्ट का पल्प बचता है उसको भी आप प्रेस करके अच्छे से जूस निकाला करें, क्योंकि उस पल्प में बहुत सारा एक्सट्रैक्ट होता है जो प्योर एक्सट्रैक्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा राइस वाटर। राइस वाटर आप निकालेंगे कैसे? आपने थोड़े से चावल लेने हैं और उसको 2 या 3 आवर्स तक सोक करके रखना है। आप अगर ओवरनाइट भी इसको सोक करते हैं तो उसका राइस वाटर बहुत अच्छे से निकलेगा, राइस का एक्सट्रैक्ट अच्छे से निकलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने राइस, जितना आपने क्यूकम्बर का जूस ऐड किया था उसका हाफ आपने राइस वाटर ऐड करना है। राइस वाटर आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन में शाइन आ जाती है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जितना आपने राइस वाटर ऐड किया था उतना आपने रोज़ वाटर ऐड करना है। उसके बाद आपने ग्लिसरीन लेना है। जो डैमेज हो जाती है ना आपकी स्किन गर्मियों में सन टैन की वजह से, उस डैमेज को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है, स्किन में शाइन लेकर आता है और स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। स्पेशली सेंसिटिव स्किन वाले जो होते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है ग्लिसरीन। उसके बाद यहाँ पे विनेगर के कुछ ड्रॉप्स ऐड कर लें। आप विनेगर को रिप्लेस करके लेमन वाटर भी डाल सकते हैं, बट प्रेफरेबली आप इसमें लेमन वाटर ऐड करें, प्योर विटामिन सी। उसके बाद आप इसमें किसी भी स्प्रे बॉटल में इसको डालकर इसको एज अ स्प्रे अप्लाई करें। रात को सोने से पहले भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं, सन टैन हो रहा है, तो उसके बाद आप इसको अप्लाई करें और इसको लगा रहने दें। फिर कुछ घंटों बाद आप फेस को वॉश कर लें। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।